Good evening, everyone. My name is Samar Pital, and I am the coordinator for this particular session. I run the branch office of Spirituality Health Inner Values Academy in Cuttack, Odisha, and which has its headquarters at Noida. The president of the organization, Mr. Azim Dana, he is also with us. And we have our speaker already with us, and he's Sunil Srivastav. And I would take just a minute to introduce him to all of you. Yes. Is my screen visible to everybody? Yes, visible. Yes, visible. Yes. Mr. Sunil Srivastav is the founder of Sankalp Learning Academy. He's a certified trainer on happiness, peace, contentment at workplace from Janki Foundation, London, UK. He is a certified NLP subconscious master practitioner cum life coach. He's also a certified hypnotherapist and CBT practitioner. He's also a certified career counselor. He has masters in counseling and spiritual health from Annamalai University to his credit. He has done his graduation in economics from Patna University. Sunil bhai, I would request you to please take over the session. Thank you. Thank you so much, Sister Samarpita. मेरा वॉयस भी क्लियर है, मेरा वॉयस सबको आ रहा है, मेरा वीडियो सबको दिख रहा है, आप सब लोग चैट में भी लिख करके बता सकते हैं। सिस्टर समर्पिता, आई हैव माय पीपीटी। यस, आई इफ यू कैन। ओके, आप सब लोगों को मेरा पीपीटी, मेरा ऑडियो, मेरा वीडियो सब क्लियर है? यस, ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच सिस्टर समर्पिता वंस अगेन फॉर वेरी वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए हमारा ये सेशन करीब एक घंटे के लिए होगा। अगर इस बीच अगर कोई ये सेशन अगर 40 मिनट्स, बिकॉज गूगल का ये स्लॉट 40 मिनट्स का होता है, इन केस अगर ये आफ्टर 40 मिनट्स अगर डिसकनेक्ट हो जाता है, तो आप सब लोग प्लीज़ दोबारा से सेम लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा, जैसा कि मैंने कहा, स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर हमारा एक सेशन है, और इस सेशन का एजेंडा है, चार पांच एजेंडा है मुख्य रूप से। वैसे तो स्लीप के ऊपर हम काफ़ी बात कर सकते हैं, बट कंसीडरिंग दी टाइम कंस्ट्रेंट, हम इसको ब्रीफ करके और जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम स्लीप को, और बेसिकली जो टेक अवे होगा इस सेशन का, टेक अवे सिंपली ये है कि हमारे साथ अगर स्लीप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे दूर कर सकें, और दूर करके फिर अपने स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें।
तो एजेंडा है व्हाट इज स्लीप, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप, स्लीप साइकिल के ऊपर बात करेंगे, स्लीप और हेल्थ का क्या रिलेशन है इसके ऊपर हम बात करेंगे, और टिप्स फॉर हेल्दी स्लीप के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा ये 5 एजेंडा है और इसके ऊपर हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। स्लीप क्या है? वैसे मैं बताऊं, 3 काम है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम हमेशा करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, खाना, पीना और सोना। ये 3 काम है जो कि मैंडेटरी है, ये हम सब लोग करते हैं। और अगर हम देखें तो हम अपने लाइफ का करीब रिसर्च के मुताबिक करीब हम 30% के आसपास हम अपने टोटल लाइफ का एरिया स्लीप में गुजारते हैं। तो चूंकि हम इतना बड़ा हिस्सा अपने स्लीप के ऊपर हम गुजारते हैं, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्यों ज़रूरी है। सोना सोना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस पूरे संसार में, इस पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो कोई भी चीज़ जो मूवेबल है, कोई भी चीज़ तो चाहे मशीन है, चाहे हम सब हैं, अगर वो मूवेबल है तो उसको अगर काम करना है तो वो अनइंटरप्टेड काम नहीं कर सकता है। कुछ समय के लिए उसको रुकना पड़ेगा, चाहे वो व्हीकल हो, वाहन हो, सब हो। तो हम लगातार अगर काम करें तो हम काम ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अगर लगातार काम कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े देर में ब्रेक मिले, और जिस वजह से हमारा शरीर रेस्ट में जा सके। तो इसलिए नेचर ने, या यू कहें गॉड ने, हमें एक एक मैंडेटरी चीज दी हुई है जिसको कि हमें करना ही करना है। और स्लीप एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे लाइफ का कि इसको अगर हम ठीक कर लें तो हम अपने लाइफ में 3 एरियाज कम से कम, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, इन 3 को हम मजबूत कर सकते हैं, इन 3 को हम बैलेंस कर सकते हैं। हेल्थ, अगर हम ठीक से ना सोएं तो हमारा शरीर का बहुत सा सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमारा, अगर हम स्लीप के ऊपर ध्यान दें तो हम अपना हेल्थ के एरिया को ठीक कर सकते हैं। वेल्थ यानी कि हम अगर कहीं काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी एरिया है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, अगर उस जगह पे हम अगर ध्यान से काम ना करें तो हमारा वेल्थ उससे इम्पैक्ट हो सकता है। और रिलेशनशिप, अगर हम ठीक से ना सोएं तो हमें एंगर जैसे रिलेटेड डिसऑर्डर का शिकार होना पड़ेगा, और जब एंगर होगा हमारे पास तो हमारा रिलेशनशिप भी ऑब्वियसली खराब हो जाएगा। तो ये 3 एरिया को हम स्लीप को, स्लीप के ऊपर ध्यान दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन, मैं आप सबसे बेसिकली जानना चाहूंगा कि स्लीप को मैनेज क्यों करना है, व्हाई मैनेजमेंट, ऐसा क्या है कि मैनेज करना है? बेसिकली मैनेज इसलिए करना है क्योंकि आज के डेट में 21st सेंचुरी में हम सब लोगों के पास हर चीज है, अच्छा करियर है, पैसा है, अच्छा सुविधा है, बट इन सब चीज़ों में हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देना भूल गए हैं। और हमारा जो स्लीप है, स्लीप का जो समय होना चाहिए उसके मुताबिक हम सो नहीं पाते हैं, हम समय से सो नहीं पाते हैं, हम जितना ज़रूरत है उतना सो नहीं पाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा सो लेते हैं, तो इस वजह से हम स्लीप को मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए हमें स्लीप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो गया आज के डेट में, क्योंकि स्लीप अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दूसरा मैनेजमेंट, हम किस चीज को मैनेज करेंगे? स्लीप को अगर मैनेज करेंगे तो हमें स्लीप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वी मस्ट नो अबाउट स्लीप, क्योंकि हम अगर किसी भी चीज को मैनेज करते हैं, जैसे कि एंगर मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, इन सब को अगर मैनेज करना है तो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसको स्लीप मैनेजमेंट हम कहते हैं।
ओके, सो स्लीप के ऊपर जो इंट्रोडक्शन है इसको अगर डिफाइन करना हो तो डिफिनीशंस आपको कई मिल जाएंगे, बट जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, स्लीप इज ए मैंडेटरी एंड नेचुरल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन वेयर आवर स्टेट ऑफ माइंड इज अनकॉन्शियस बट कैन बी अराउज्ड बाय सेंसरी स्टिमुलाई। अब इसमें हम देखें अनकॉन्शियस एक वर्ड है, तो अनकॉन्शियस में तो इंसान कई बार कोमा में होता है तो भी अनकॉन्शियस ही है, तो क्या हम उसको स्लीप कहेंगे? उसको स्लीप हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो कोमा में है, वो कोमा में है और उसको हम किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से उसको हम उठा नहीं सकते। बट यहाँ पे एक ये कॉन्शियस बिहेवियर है बट हमारा हम कॉन्शियस बिहेवियर बट अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है और उसमें हमें कोई भी इंसान हमें उठा सकता है, हमारे जो सेंसरी स्टिमुलस है कोई चाहे तो आवाज़ देकर उठा सकता है, हिला करके उठा सकता है, तो इस तरीके से स्लीप को हम वो कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द स्लीप वी आर पार्शियली डिटैच फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड एंड वी ड्रॉन फ्रॉम आवर फाइव सेंसेज। तो स्लीप में होता है ना कि हम अपने पूरे पांच सेंसेज से डिटैच हो गए, हमें पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, हमें यह भी पता नहीं लगता कि आउटसाइड द वर्ल्ड क्या हो रहा है। तो ये स्लीप को इंट्रोड्यूस करने का दो पॉइंट्स मैंने यहां जिक्र किया है। नाउ व्हाई स्लीप इज नेसेसरी, स्लीप क्यों जरूरी है? स्लीप जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें अपने थॉट के स्पीड को कम करना है, क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं हमारे पास थॉट हर वक्त चलता रहता है, हम जितने देर कॉन्शियस हैं थॉट हमेशा अनइंटरप्टेड चलता रहता है, पेटी तो आए पानी और ओके, और ऐसा कहते हैं कि हमारे पास थॉट करीब एक दिन में 70,000 थॉट हमारे आसपास हमारे पास हमारे मन में हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो इस थॉट की स्पीड को कम करने के लिए हमें सोना बहुत जरूरी है। दूसरा है, इसके तो कई रीजन हो सकते हैं व्हाई स्लीप इज नेसेसरी बट यहाँ पे मैंने 4-5 पॉइंट यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो दूसरा है टू रिपेयर आवर बॉडी एट सेल्यूलर लेवल, हमारे बॉडी हमारा बॉडी हम सब जानते हैं कि सेल और टिश्यूज और ऑर्गन्स को मिला करके बना होता है, तो हमारा जो जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर रिपेयर होता है और ऐसा कहते हैं कि हमारे शरीर में करीब करीब 60-90 trillion सेल्स होते हैं और हर मिनट करीब 80-85 million हर मिनट 80-85 million सेल्स डाई मर जाता है और सिमिलर नंबर ऑफ सेल्स रीजेनरेट हो जाता है। ये हमारे बॉडी का हीलिंग इंटेलिजेंस है और हमारे बॉडी में ये नेचुरल इंटेलिजेंस है, ये ऑटोमेटिक होता रहता है, हमें पता भी नहीं लगता। तो इसलिए जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी में हमारे बॉडी का सेलुलर लेवल पे रिपेयर होता है, जो भी सेल्स खराब हो जाता है चाहे जो सेल जिसको रिप्लेस होना है वो रिप्लेस हो जाता है और नया सेल उतना ही बन जाता है। स्लीप इज ऑल्सो नेसेसरी टू इंक्रीज द अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन के बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लाइफ में अगर हमारा कोई गोल है, हमें कुछ अचीव करना है, तो हमें अपना अटेंशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं, वो स्लीप भी एक टूल है जिसके वजह से हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और अटेंशन दे पाते हैं। अगर हम ढंग से ना सोएं, जितना ज़रूरत है उतना ना सोएं, तो हम अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन बना के नहीं रख सकते। I think somebody is waiting to join the session. Let me Yeah, there are few people who are trying to enter in the room. I have just given them the access.
ऑल राइट। तो जो लोग अभी अभी जस्ट हमारे इस सेशन में जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, हमने जस्ट अभी सेशन शुरू किया है और दो टॉपिक पे हमने बात किया है कि व्हाट इज स्लीप एंड व्हाई स्लीप इज नेसेसरी। तो इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी है, आप सब लोग उसे बाद में भी रेफर कर सकते हैं। नाउ लेट्स, करेंटली वी आर टॉकिंग ऑन दी व्हाई स्लीप इज नेसेसरी। तो फोर्थ पॉइंट है टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, हैप्पी एंड एनर्जेटिक। अगर हमें हर समय लंबे समय तक हेल्दी, हैप्पी एंड एनर्जेटिक रहना है, जो कि हमारा बेसिकली एक सक्सेसफुल लाइफ का की है, अगर हम हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, एनर्जेटिक हैं, तभी हम किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो इसको हासिल करने के लिए हमें स्लीप बहुत ज़रूरी है। ओके, टाइप्स ऑफ स्लीप। स्लीप को समझने के लिए हमें इसके दो टाइप्स को जानना पड़ेगा। एक है जिसको कि हम कहते हैं REM स्लीप। REM स्लीप मींस रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसका दूसरा नाम भी है पैराडॉक्सिकल स्लीप। और दूसरा है नॉन REM स्लीप, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस कैटेगरी ऑफ स्लीप में, यानी कि REM स्लीप में, हम करीब 25% सोते हैं और नॉन REM स्लीप में हम करीब 75% सोते हैं। इसके डिफरेंस को हम थोड़ा इसमें समझ लेते हैं कि व्हाट इज REM स्लीप। REM स्लीप इज मोर डिफिकल्ट टू अराउज बाय सेंसरी स्टिमुलस। ऐसा कहते हैं कि जब REM स्लीप में हम होते हैं तो किसी पर्सन को उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि REM स्लीप में नॉर्मली इंसान सपने देखता रहता है। तो उस टाइम उसको अगर उठाएंगे तो वो अचानक से उसको वो फील होगा कि अरे क्या हो गया। इमीडिएट वो आपको बता सकता है कि मैं फलना फलना सपना देख रहा था। इस स्लीप में जो REM स्लीप होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस होता है वो, मतलब अचानक से बंदा सपना देखते देखते उठ जाता है और उसको लगेगा कि मैं तो कुछ और, किसी और वर्ल्ड में था, कुछ और सपना देख रहा था, बट अभी का वर्ल्ड दूसरा है। REM स्लीप में हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट इरेगुलर रहता है, क्योंकि उसमें वो उसका ब्रेन का एक्टिविटी चलता रहता है। इस वजह से उसका हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट इरेगुलर पाया गया है। REM स्लीप में हम नॉर्मली ये भी देखते हैं, इंसान का आंख इधर से उधर भी घूमता रहता है, हमेशा उसका आंख का मूवमेंट चलता रहता है, ब्रेन हमेशा हाईली एक्टिव पाया गया है REM स्लीप में, क्योंकि वो इंसान कुछ ना कुछ देखता रहता है, अपने इंटरनल वर्ल्ड में बहुत कुछ देखता रहता है। और इस स्लीप को हम एसोसिएटेड विद द ड्रीम, क्योंकि इसी स्लीप में इंसान सपने देखता है। यही वो इम्पोर्टेंट एरिया है, यही वो इम्पोर्टेंट स्लीप है जिसमें इंसान सपने देखता रहता है। अच्छा, नॉन REM स्लीप, इसको हम स्लो वेव स्लीप के नाम से जानते हैं, स्लो वेव स्लीप, क्योंकि जो EEG होता है उसमें, नॉन REM में, इसमें वेव काफ़ी नीचे तक चला जाता है, डेल्टा लेवल तक चला जाता है। तो डेल्टा लेवल में जो वेव है वो बहुत ही कम होता है, बहुत स्लो होता है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें बेसिकली तीन स्टेप है। 5% लाइट स्लीप में बंदा होता है, कोई भी इंसान अगर सो रहा है तो लाइट स्लीप में पहले होगा। खाना भरदा कहिंदा तोड़े दंद ठीक है, इन्हें दंदा की सफाई की जरूरत है, इन्हें दंद ज्यादा ही खराब थे। ओके, 5% लाइट स्लीप में होते हैं, 45% डीपर स्लीप में होते हैं। ये मेजर एरिया है नॉन REM स्लीप में, जिसमें 45% हम डीपर स्लीप में होते हैं और 25% डीपेस्ट स्लीप में होते हैं। तो टोटल एरिया जो स्लीप का साइकिल हमारा होता है, उसमें हम करीब 75% स्लीप हमारा नॉन REM स्लीप होता है। इस स्लीप में जो होता है, इसमें
एक्सीडिंग रेस्टफुल, यानी इंसान इसमें बहुत ज्यादा रेस्टफुल सिचुएशन में होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो डीप स्लीप में होता है। दूसरा, इसमें ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, उसके अलावा और भी कई सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, ड्रीमलेस स्लीप होता है। इस नॉन आरएम स्लीप में कोई ड्रीम नहीं आता, इसमें इंसान बहुत गहरे नींद में होता है, बहुत गहरा नींद में होता है, और किसी भी तरह का हलचल, कोई भी मूवमेंट नहीं होता, और उसमें वो किसी भी तरह का ड्रीम नहीं होता। और इसमें अगर ड्रीम आता भी है, नॉर्मली ड्रीमलेस स्लीप इसको कहते हैं, बट अगर वो ड्रीम कोई आता भी है तो उस ड्रीम को बंदा याद नहीं रख सकता, वो इंसान याद नहीं रख सकता, क्योंकि वो मेमोरी में नहीं जाता उस स्टेज में, नॉन आरईएम स्लीप में। तो ये हमने समझा कि टाइप्स ऑफ स्लीप क्या है और अलग अलग स्लीप्स के क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हमने समझा। इस अब तक का जो भी है, इसमें किसी को कुछ जानना है स्लाइड से रिलेटेड, कुछ डाउट है? ऑल राइट, अब हम समझते हैं कि स्लीप का जो साइकिल है। मैं अगर आप सब लोगों से पूछना चाहूं कि कितना हमें सोना चाहिए, कितना घंटा हमें सोना चाहिए, तो अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देते हैं कि इतना घंटा सोना चाहिए, उतना घंटा सोना चाहिए। कई लोग कहते हैं 8 घंटा सोना चाहिए, कई कहते हैं 10 घंटा सोना चाहिए, बट ये डिपेंड करता है कि इंसान कितने घंटे के स्लीप में कंफर्टेबल है, इजी है, काम है, क्वाइट है, हेल्दी है, एनर्जेटिक है, वो डिपेंड करेगा। बट जो रिसर्च है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक जो स्लीप होना चाहिए हमारा, करीब 6 से 7 घंटे का स्लीप होना चाहिए। बट इंसान कभी भी घंटों के हिसाब से नहीं सोता, वो साइकिल के हिसाब से सोता है, और एक साइकिल 90 to 120 मिनट्स का ड्यूरेशन में होता है। और 3 से 4 साइकिल होता है हर स्लीप का, 3 होगा या 4 होगा। इस साइकिल में क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेज है, ये बेसिकली 4 स्टेज होते हैं स्लीप के, 4 स्टेज, यानी कि रेम स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप, ये दोनों को मिला करके ये 4 साइकिल है, 4 स्टेजेस है। इसमें फर्स्ट स्लीप में क्या होता है, लाइट ट्रांजिशनल स्लीप, यानी कि जब हम बेड पे सोने को जाते हैं तो हम हल्का हल्का हमें नींद आने लगता है, तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप है। उसके बाद सेकंड स्टेज ऑफ स्लीप में मोर स्टेबल, यानी कि हम धीरे धीरे, हमारा थॉट शांत हो जाता है, होता जाता है, थॉट का स्पीड कम हो जाता है, और हम धीरे धीरे, हमें ऐसा लगता है कि हम नींद की तरफ जा रहे हैं। जो थर्ड स्टेज है, इसमें हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, और इस स्टेज में ग्रोथ हार्मोन्स हमारे शरीर में निकलना शुरू हो जाता होता है। और फोर्थ स्टेज, जिसको कि हम आरईएम स्लीप कहते हैं, इंसान उसमें जाता है, और इस स्टेज में रिवाइटलाइज होने लगता है मेमोरी, इंटेंस ड्रीम्स आने लगता है। और जब इंसान इस साइकिल में रहता है, और जब वो धीरे धीरे जब अपने नींद को जब पूरा कर लेता है, तो इसी साइकिल से वो धीरे धीरे वापस भी आता है, यानी कि आरएम स्लीप में अगर इंसान है तो फिर वो स्टेज 3 में जाएगा, फिर वो 2 में जाएगा, फिर वो 1 में जाएगा, और वो फिर उठ जाएगा, एक साइकिल पूरा। कई बार आप देखेंगे कि लोग रात में उठ जाते हैं, एक साइकिल पूरा होने पर वो इंसान उठता है, उस टाइम आप देखेंगे कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो करवटें बदलेगा, फिर वो या तो कई लोग पानी भी पीने के लिए उठते हैं और फिर वो सो जाते हैं, कई लोगों का नींद उस टाइम खुलता है तो फिर वो अपना घड़ी देखते हैं और वो देखते हैं कि अभी तो 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो फिर से वो दोबारा सोने को चले जाते हैं, तो फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में हो जाते हैं, फिर सेकेंड में जाते हैं,
फिर थर्ड में जाते हैं, फिर फोर्थ में आते हैं, फिर जब ये साइकिल पूरा होगा फिर इसी साइकिल में वो इंसान फिर वापस आने लगेगा, थर्ड में जाएगा, सेकंड में जाएगा, फिर वन में जाएगा, फिर जैसे ही उस साइकिल पूरा होगा वो उठ जाएगा, फिर वो साइकिल शुरू होगा। इस तरीके से हर इंसान 3 या 4 साइकिल पूरा करके अपना नींद कंप्लीट कर लेता है। ये मैं ओके। आई थिंक नोबडी इज वेटिंग। एडमिट। ओके। तो ये अपना स्लिप साइकिल है। हाँ, अभी मैं ईईजी के बारे में बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो ईईजी बेसिकली आप सब लोग जानते होंगे, हम सब ईसीजी के बारे में हम बहुत जानते हैं क्योंकि ईसीजी बहुत पॉपुलर है और बहुत कॉमनली यूज टर्म्स है ईसीजी, क्योंकि ईसीजी से हम अपने हार्ट का रेट पता करते हैं। उसी तरीके से हम अपने ब्रेन का फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए ईईजी नाम का एक मशीन का यूज करते हैं। इस ईईजी में जो ये बेसिकली ये हमारे ब्रेन का फ्रीक्वेंसी है, हमारा ब्रेन इस 4 फ्रीक्वेंसी में, 4 या 5 फ्रीक्वेंसी में हमेशा रहता है। तो ज्यादातर हम जब हम अवेकन स्टेट में हैं, यानी कि जैसे कि अभी का जो करंट सिचुएशन है, यानी कि आप हम मुझे देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, हम सब लोग कॉन्शियस हैं, इस स्टेट में हमारा जो वेव है, बीटा वेव में हम करेंटली होते हैं, और जिसमें करीब इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये 14 से 13, 30 हर्ट्ज के आसपास होता है। ये नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस है, यानी कि हम अभी करेंट में कॉन्शियस हैं तो हम अभी बीटा वेव में हैं, अभी हमारा जो ब्रेन का फ्रीक्वेंसी है वो बीटा वेव है। इससे नीचे अल्फा वेव है, अल्फा वेव में हमारा ब्रेन का जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 to 13 हर्ट्ज है। ओके। यहाँ पे एक सिग्नल है कि ये हमारा 40 मिनट्स में ये सेशन खत्म हो सकता है, बट आप सब लोग प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे जैसे ही ये सेशन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, बट उसके बाद आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, अब ये थीटा, थीटा जो वेव है ये हमारा ब्रेन का फ्रीक्वेंसी है, इसमें हमारा थॉट का स्पीड और कम हो जाता है, और जिसका कि जिसमें हमारा 4 to 8 हर्ट्ज थीटा वेव का फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें हम मेडिटेशन हम करते हैं तो कई बार हम इस वेव में भी चले जाते हैं। इसके पहले हम देखें रिलैक्स्ड, अल्फा जो वेव है इसमें हम रिलैक्स्ड होते हैं, काम होते हैं। द ब्रेन वेव पैटर्न ऑफ इनसाइट एंड योर यूरेका मोमेंट्स, यानी कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या हम जब अपने ब्रेन की रीवायरिंग करते हैं, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करते हैं, न्यू इम्प्रिंट्स अगर डालना है तो हमें अपने आप को अल्फा या थीटा वेव में ले जाना पड़ता है। तो ये दोनों वेव अपने ब्रेन के प्रोग्रामिंग करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है अपना डेल्टा वेव्स। डेल्टा में हमारा समझ लीजिए कि सबसे ये पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें हमारा थॉट लगभग नहीं के बराबर होता है। और डेल्टा वेव में जो हमारा जो ब्रेन का वेव होता है 1 to 3 हर्ट्ज होता है। तो ये अपना ईईजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज स्लीप डिसऑर्डर एंड हेल्थ। अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर है तो हेल्थ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है,
जैसा कि मैंने शुरू में कुछ बातें ऐसा बताई कि हमने डिस्कस किया कि हेल्थ को कैसे स्लिप इम्पैक्ट करता है, अगर किसी को स्लिप से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो वो हमारे हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, और एक बार हमारा हेल्थ अगर खराब हो गया तो हेल्थ के साथ साथ हमारा वेल्थ खराब होगा, हमारा रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है स्लिप के बारे में जानना, और स्लिप से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो उसको हम दूर करें। तो रिसर्च सजेस्ट दैट मोर देन 14 मिलियन अमेरिकन्स हैव मेजर स्लिप डिसऑर्डर इंसोमनिया, और ये अमेरिकन्स को ही नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप चले जाएं, इवन हमारे देश में इंडिया में आज के डेट में स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम हर किसी को देखने को मिल रहा है। उसका रीज़न है जो आज के डेट में हम बहुत सारा गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो हमारे पास जो संसाधन आज के डेट में है, हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर्स है, जिस वजह से स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें भी हो रहा है, और हमारे यहाँ भी इंसोमनिया से रिलेटेड कंप्लेंट्स काफ़ी हैं। तो हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए और इस चीज़ के बारे पे ध्यान देना चाहिए। नाउ रिसर्च ऑल्सो सजेस्ट दैट लेस देन 6 to 7 आवर्स अफेक्ट द कॉग्निटिव परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी हमारे थिंकिंग, हमारे परसेप्शन की एबिलिटी, हमारे इमेजिनेशन की एबिलिटी, हमारे विजुअलाइजेशन की एबिलिटी को ये इम्पैक्ट करता है अगर हमारा स्लीप 6 से 7 घंटे से कम है तो, विच विल लीड टू पुअर मेंटल एंड देयर बाय फिजिकल हेल्थ। अगर हमारा मेंटल हेल्थ अगर खराब है तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ पे होता है, क्योंकि कोई भी बीमारी जब शुरू होता है तो सबसे पहले हमारे मेंटल लेवल को, मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे फिजिकल हेल्थ पे ट्रांसफर हो जाता है। इंसोमनिया फॉर लॉन्ग टाइम कैन कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी टू सीक्रीट एंड रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन विच विल रिजल्ट इन डायबिटिक मिलाइटस। हम सब जानते हैं कि अगर नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो हमारे शरीर में जो इंसुलिन जो जनरेट होता है, जो सीक्रेट होता है, उसको भी ये प्रभावित कर सकता है, एंड दैट विल फर्दर इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है स्लीप। स्लीप के बगैर अगर अच्छा स्लीप हमारा नहीं है, हम स्लीप के ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं, हम अपने स्लीप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो एक नहीं कई बीमारी इससे रिलेटेड होता चला जाएगा। स्लीप डिप्राइवेशन हैज़ अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन आर इम्यून सिस्टम बिकॉज इट विल किल NK सेल। दिस विल फर्दर इम्पैक्ट आवर ओवरऑल वेल बीइंग। NK सेल हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, NK सेल हमारे इम्यून सिस्टम का एक आर्मी का हिस्सा है, और हमारा अगर स्लीप डिप्राइवेशन है तो हमारे NK सेल के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा हेल्थ पुअर स्लीप की वजह से खराब हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स ऑफ हेल्दी स्लीप। हम क्या क्या करें जिससे कि हम हेल्दी स्लीप ले पाएं, 6 से 7 घंटे का स्लीप ले पाएं, डेल्टा स्लीप ले पाएं, नॉन REM स्लीप ले पाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। डेल्टा स्लीप हम सब के लिए बहुत जरूरी है, नॉन REM स्लीप हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ टिप्स है जो कि टिप्स तो काफी हमें मिलता रहता है, बट मैंने यहाँ कुछ सजेस्ट किया हुआ है कि हम अपने सोने का ना एक फिक्स्ड टाइम बना लें कि हमें इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है, और सबसे बढ़िया है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हम एक निश्चित समय पे सो जाएं और निश्चित समय पे उठ जाएं, बट ये एक दिन का प्रैक्टिस नहीं है, ये हमें इसका आदत बनाना पड़ेगा, हमें इसका आदत डालना पड़ेगा। दूसरा है अवॉइड अल्कोहल, स्पाइसी एंड हेवी फूड इन डिनर। हम रात का जब खाना खाते हैं तो हमें अल्कोहल, स्पाइसी और हेवी फूड नहीं खाना चाहिए। अगर हम ये खाते हैं तो हमारा जो स्लीप है ये प्रभावित होगा, और हमारा जो एनर्जी है
वो ज्यादा जो एनर्जी है वो हमारा इस हेवी फूड को पचाने में लग जाएगा, तो हमारा बॉडी का रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें हेवी फूड नहीं खाना चाहिए रात को। एक कंफर्टेबल टेम्परेचर एंड वेल वेंटिलेटेड बेडरूम, वेल वेंटिलेटेड बेडरूम। आज के डेट में हम सब लोग खिड़की दरवाजा बंद करके ही सोते हैं क्योंकि आज का समय वैसा है, बट ऐसा सजेशन है कि हम अपने रूम में अगर वेल वेंटिलेशन हो अगर कमरे का, और उस रूम में हम सोएं और कंफर्टेबल टेम्परेचर हो तो वो बढ़िया है। एलिमिनेट अनवांटेड लाइट एंड नॉइज नियर एंड इनसाइड द बेडरूम। हमें लाइट पर ध्यान देना है क्योंकि स्लीप में हम सब जानते हैं कि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन स्लीप को प्रभावित करता है। मेलाटोनिन हमारे शरीर में तब आता है जब हमारे आसपास यानी हमारे आंखों के पास अगर रोशनी नहीं है तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन आएगा, मेलाटोनिन सिक्रीट होगा जिससे कि हमारा नींद अच्छा होगा।